कल रात तुम कहाँ थे? कितने बजे आए हो? क्या काम करने के लिए गए हैं? बाप अच्छा नहीं है फिर बेटा कैसा होगा? हर वक्त शराब पीकर घूमता फिरता है तेरा बाप, आप देख रहे हैं ना? ये कैसा हुआ रे? क्रिकेट खेल कर गिरा। चलो डॉक्टर को दिखाते हैं। कोई बात नहीं, थोड़ी देर के बाद वो आएगा, वो इसे ले जाएंगे डॉक्टर के पास। आप जाइए आपका काम के लिए, इसी कारण से आप लीव मत ले लो। तू जल्दी जाकर रेडी हो जा। कहाँ जाना है? आपकी वाइफ बुलाई थी। सूरज को लेकर जरा डॉक्टर के पास। क्या हुआ उनको? क्रिकेट खेलकर उसे मोच आया। खाना खाया तो? नहीं जी। ठीक है प्रभा, मैं जा रहा हूँ। अगर सूरज रेडी है तो हम एक साथ चलेंगे ना। सूरज इधर आ। जाओ। हाँ चलो। ए देख, संभल के। हाँ चलो। ओफो, चुटकी। माय पप्पी, सॉरी डियर। मम्मी बिजी था ना, इसलिए सूप लाने के लिए देर हो गई। नाराज मत हो। ये सूप पूरा पीने का। नेक्स्ट मंथ शो है तुम्हारा, उस शो में तुमको जीतना है ना। माँ चाय देना। क्या बात है, तुम जाकर चाय बनाओ, मैं इसे खाना खिलाती हूँ। देख नहीं सकते? बिस्तर पे उठकर सीधे आकर चाय के बारे में पूछते हो, शर्म नहीं है तुम्हें? कल्चर बोल रही है। इस चीज को घर पे बैठा के खाना खिलाना आपको बड़ा कल्चर है ना? ज्यादा बात मत करो, तुमसे भी ज्यादा ये मुझे बहुत अच्छे प्यार करती है। आपको भी तो वैसे ही है ना, मेरे से भी ज्यादा लाड़ और प्यार ये कुत्ते को मिल रहा है ना। अभी तुम बच्चा नहीं हो, बड़े हो गए गो, फिर क्या है? इधर क्या कमी है तुम्हें? सिर्फ पैसे बनाने के लिए विदेश में खटने वाले मेरे पापा, अपने बेटे से ज्यादा कुत्ते को लाड़ प्यार देने वाली मेरी माँ। बेटा वो है ना, पापा आने वाले एक हफ्ता यहाँ नहीं रहेगा, इसका मतलब अपने बहन को तंग नहीं करने का।
नमस्कार जी। हाँ नमस्ते नमस्ते। अच्छा सुनो, सब पहुंच गया ना? हाँ सभी आए हैं। अच्छा सुनिए, आज हम जाने वाले ये यात्रा जैसे हमने प्लान की है बहुत सारे गांवों तक जाके पहुंचना चाहिए। अपने समूह को अंदर से खोखला करने वाली गंदी शक्ति, ज्यादातर वो दारू और गंजा ही है। मर्दों के जैसे इन नशाओं की गंदी आदत महिलाओं के ऊपर भी है। ज्यादा क्यों बोलो, स्कूल में पढ़ते हुए बच्चों के ऊपर भी ये गंदी आदत आ फैली हुई है। इन नशा देने वाले चीजों को बर्बाद करने से ही नहीं, इनके बारे में सच्चाई सबको बतानी चाहिए। हम सब मिलके आज से वो काम करने वाले हैं। बापू, सब कुछ इसमें है, मेडिसिन भी रख ली है, दवा जरूर खाना। जी जरूर आप जी। ख्याल रखना। आप चिंता नहीं करने का, सब टाइम पे मैं दे दूंगा। पिछले महीने भी आप यही बोलते थे मेरे को, वापस आने के बाद देखो तो हर मेडिसिन उसी तरह पड़ा है। बेटा तुम चिंता नहीं करना, इस बार मैं सब ठीक से खा लूंगा। आपके बारे में सोचकर मुझे खुशी होता है, आपके बेटी कहने में मुझे बहुत गर्व होता है बाबू। सिर्फ आपके सेवा हमको कोई नहीं है। बेटा, एक व्यक्ति की जन्म की सफलता, वो समूह के लिए जो अच्छे भले काम करते हैं, उनके मरने के बाद भी लोग के सोचते वक्त प्राप्त होता है। एक सामूहिक व्यक्ति को ज्यादातर उनकी अपनी ख्याल करने का वक्त ही नहीं मिलता। बेटा तुम्हारी प्रार्थना हर वक्त मेरे साथ ही है ना? है? है? पापा का कोई परेशानी नहीं होगी रे, तुम जरा शांति से रहना। हाँ आज तक चैनल से है। क्या करो। नमस्कार जी, मिस्टर प्रकाश, आप लोग और आपका चैनल मेरे काम में जो सहायता देते हैं उसके लिए धन्यवाद। लेकिन साधारण पॉलिटिशियन के तरह शाम को नहा के इस्त्री मारे हुए ड्रेस को पहनकर आपके चैनल में आके बैठकर बेकार की चर्चा में भाग लेने वाला पॉलिटिशियन का किरदार निभाने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। बातों से ज्यादा अपने कर्मों पर विश्वास करने वाला आदमी हूँ मैं। कृपया मेरे को मेरे हालात में छोड़ देना। बेटा मैं चल रहा हूँ। ठीक है बापू। चलो। यही नहीं रे सोनिया, वो तो ऐसे ही समुद्र के लहर आके मेरे को छुआ। तुझको मैं पहले बोला था ये सब नहीं हो पाएगा। अबे सूरज, आने वाली चीज रास्ते में नहीं रुकेंगे, अब बोल के फायदा ही क्या है? तेरा टेंशन देख के मेरे को पता चला ये ऐसे ही होगा। कोई हम दोनों को पहचाना नहीं होगा, यही मेरा टेंशन है। अबे किरण, तू बेकार में आदमी को डरा मत। ए, नहीं यार, देखा नहीं होगा। हाँ अगर देखा होता तो अपन लोग पता चलता अब तक। नहीं रे ऐसे में। सॉरी, इट्स माय मिस्टेक। मैंने देखा, सॉरी इट्स माय मिस्टेक। हेलो नैन्सी, सॉरी इट्स माय मिस्टेक। हेलो, हाँ बोलो बोलो। हाँ ठीक है। हाँ मैं नीचे गिर गया रे। इसी को बोलता है जिसको खेलना आता है उसे हाथ में बल्ला नहीं होता। ऐसा बल्ला होने से भी क्या फायदा। अबे इन जैसे बल्लों का ही टाइम अभी चलता है, उनके एक एक फोन के उस पार पे एक एक चिड़िया है, इसको बोलता है बेटा नसीब। चलो अपना नसीब ऐसा हवा खाने का है। चल छोड़ यार। इस बार के लिए जरा एडजस्ट करना। इस बार का और अगले बार का मैं पक्का दे दूंगा। प्लीज भाई। अबे धंधे में कोई उधार नहीं है, रोकड़ा है, माल अब भी दे दूंगा, टाइम बर्बाद नहीं करने का। चल फुट भाई। तुम लोग जैसे केवी बोला वो क्लिपिंग दिया होता तो हाथ में बहुत पैसा होता ना अभी। हम इसके लिए मैक्सिमम ट्राई किया लेकिन। अरे क्या लेकिन, जो काम बोला है वो कर गया, पैसा लेके आ। मत छुओ, मत छुओ, मत पकड़ो, मत पकड़ो, मत पकड़ो यार।
अरे अरे कहाँ जा रहे हैं आप? घर पहुँच गए, चलिए घर चलिए। ये ऑटो में चढ़ने से पहले ही घर पहुँचे क्या? ये मेरे को उल्लू नहीं बनाने का क्या? आप चलिए। अरे अरे मेरे को नहीं, अरे मेरे को नहीं पकड़ना है क्या? बैठो। भाया इतना देर क्यों है? मैंने बहुत कोशिश किया। ये आदमी शराब पीता ही रहता है, परिवार के बारे में सोचता ही नहीं है। सूरज पहुंच गया क्या? उसके बारे में मत पूछो, बहुत देर से आते हैं। मैं वेट करूं क्या? तुम जाओ, मैं देख लूंगी इसको, यही है मेरा नसीब। नहीं डियर, तुम्हारा बगैर इधर क्या अच्छा लगेगा? सुनो जी, क्लब का एनुअल डे 26 को आता है। नहीं नहीं फिर सुनो, हमारा पापी के आवाज में कुछ डिफरेंट है डियर। मालूम नहीं क्या वो उसको, कल से वो ज्यादा खाना भी नहीं खाती है। नहीं नहीं, ये नया डॉक्टर है, मेरी फ्रेंड ने बताई थी। उसकी डॉग को यही डॉक्टर 2 साल से इलाज करता है। हाँ इधर है वो, मैं फोन देती हूँ। लो तुम्हारा डैडी बात करता है। हेलो। हाँ अरे मैं मेल करूंगा ना। मेरे को कुछ पैसा चाहिए। क्यों, किस लिए चाहिए पैसा? पिछले महीने 500 रुपये मैंने दिए थे। उससे क्या होगा? किस लिए चाहिए तुम्हें ये रुपये? बेकार पैसा उठाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। आपके हिसाब में मैं क्या यशी कर रहा हूँ? मेरे उम्र के लड़के क्या कर रहे हैं आप बाहर जाके देख लीजिए। बाहर का बारे में मुझसे मत कहो, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो जाकर काम करो, नहीं तो मुझे आकर पैसा मत मांगो, काम के लिए ट्राई करो। क्यों छुपे तू? ओ मम्मी अभी आती हूँ बेटी। अरे माय डियर पप्पी। पप्पी चुप्पी, इसका मौत मेरा ही हाथ से होगा। ऐसा नहीं चलेगा, हमें अभी प्रैक्टिकली कुछ करना पड़ेगा। घर घर में जाके चोरों के जैसा फर्स्ट नाइट शूट करना केवी साहब जैसे बोल रहा हूँ उतना आसान काम नहीं है ना। इस बार भगवान ने बचाया, अब हम करें तो भी क्या करें? ये केवी को और भी सारे बिजनेस है ना, सुपारी लेना वैसे कुछ। उसके लिए बहुत सारे बंदे लोग है, ओरिजिनलिटी के साथ रेयर क्लिपिंग से केवी साहब मांगता है, वो अब कहां से मिलेगा? अपन लोग ट्राई करेंगे ना, जरा सा रिस्क ले ना तो मिलने वाला पैसा डबल होगा। आप हमें क्या करना चाहिए? अरे हम अगर नकली फर्स्ट नाइट शूट करें तो
आर्टिस्ट को लेके क्या ख्याल है? क्या केवी बुद्धू है क्या? केवी भी चौंकना चाहिए, उतनी सारी ओरिजिनलिटी होनी चाहिए। उसके लिए कौन तैयार होगा? अपन लोग ढूंढते हैं। आखिर कौन है मेरी हीरोइन? कैसी हीरोइन? जरा संभालो ना, एक बड़ी मस्त आर्टिस्ट है तुम्हारी हीरोइन, नंदिनी दास, उम्र 21 साल की, देखने से एकदम सफेद रंग की है, फेसबुक से मिला। नंदिनी दास। अरे नंदिनी, नंदिनी देख देख नंदिनी। बड़ा बदमाश है। हेलो। हाँ वो लेफ्ट वाले रास्ते से सीधे आने का। अरे गुरु, हीरोइन आ गई। चल अरे चल। क्या हुआ, मैं आऊं क्या? ऐसे जाए तो हमारे हालत बहुत खराब है बेटा। ठीक बोला, हाथ में बिना पैसा के जीने से क्या फायदा। ये लोग कितनी अच्छी तरह जिंदगी जी रहे हैं ना। अगर हाथ में पैसा हो तो कुछ भी कर सकता है ना, अगर हाथ में पैसा नहीं है तो भिखारी उतना ही है। हम भी इस तरह जी सकता है क्या? हाथ में अगर पैसा है तो पूरा दुनिया भी जाके घूम सकता है। पैसा वही इस दुनिया में जीने के लिए बहुत जरूरी है। अपन लोग वो बनाएंगे ना। कैसे? नहीं रे, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा हाथ को बुलाऊंगा ना, ऐसा कुछ नहीं। अरे नहीं रे, चलो यहां बहुत सारे लड़के लोग हैं। चाहिए क्या? मेरे को जरा छोड़ देना, वरना मैं जोर से चिल्ला के लोगों को बुलाऊंगा। अगर आवाज बनाया तो मैं तुम्हें मार के फेंक दूंगा। अरे भगवान, लोगों को मारोगे क्या? वो बड़ा पाप है ना। पाप और पुण्य तू हमको मत सिखा, हम जो बोल रहा वही सुनो, वही तेरे लिए अच्छा है। अरे तुम लोग को चाहिए क्या? पैसा। पैसा क्या? पैसे के लिए तुमने मेरे को बांध कर रखा है क्या? ये कौन सी बड़ी बात हुई ना, मेरा हाथ से 10 का पैसा भी नहीं मिलेगा तेरे को। अगर पैसा नहीं दिया तो तू यहाँ से बच के नहीं जाएगा। अरे भाइयों, पैसा बनाने का रास्ता ही ना तुम दोनों को केवी दिखाया। केवी? केवी तुमको कैसा मालूम? मैं सबको पहचानता हूँ ना, केवी को, माइकल को, तुम लोगों को, सब मेरे को मालूम है। तुमने सिर्फ केवी सुनाई है ना, देखा नहीं ना। केवी बड़ा दयालु है, केवी तुमको और भी मदद करेंगे। अरे तू कौन है? मैं चार्ली, केवी का बड़ा खास हूं मैं। तुम्हारा चाल चलन जानने के लिए केवी मेरे को वो काम सौंपा है। तुम आओ डायरेक्टली केवी से मिल लो, केवी तुम दोनों का सहायता भी करेगा।
मस्त आइटम, दुनिया में कोई जगह में ये चीज नहीं मिलता। इंटरनेशनल मार्केट में बहुत दाम मिलता है इसका। कहां से मिला तेरे को? गोवा से मिला। ये डील अगर सक्सेस हो गया ना, हमारे अकाउंट में करोड़ों पैसा आ जाएगा। संभल के करना, हमारा पुलिस ज्यादा विजिलेंट है। उसके लिए फिक्र नहीं करना, हर कोने कोने में अपने बंदे लोग हैं। आना रे, यही वो लोग है जो मैंने बताया, अपना कस्टमर्स है। अगर ट्रेन किया तो कल का खिलाड़ी है वो। अरे फेलियर है तो भी तुमने मेरे लिए जो अटेम्प्ट किया वो मैंने सुना, इसीलिए तुमसे मिलने का काम इससे सौंपा। नए चीजों के लिए भागने वाले जनरेशन के टाइम है अभी, इसीलिए मैं ओरिजिनलिटी के साथ रेयर क्लिपिंग में मांगता हूँ, वो तुमसे होगा। खतरे वाले काम करने से पहले हमारा दिमाग शार्प होनी चाहिए, उसके लिए टेंशन फ्री मन की जरूरत है। तुम्हारे मन की सारी टेंशन भूल के आ जा। एंजॉय माय बॉयस। आखिर 2 दिन बोले तो 2 दिन,
इंसान की तरह जी तो पाया ना, अब अगर मरे तो भी परवाह नहीं। इन दो दिनों में हम जो पैसे उड़ाए उसके बारे में भी सोचना। अरे पैसा तो हम बनाएंगे ना जरूर, इसीलिए केवी जैसा आदमी हमारे सामने आके खड़ा हो गया ना। एक केवी हमें पैसे ऐसा नहीं दे रहा है। वो जैसा सोचते है वैसे डिफरेंट विजुअल्स हम अगर दे पाए ना, वो फिर से हमें पैसा देंगे। गूगल खोल के एस मारे तो सेक्स रिलेटेड टॉपिक्स आते हैं, उससे डिफरेंट क्या बनाने का। वो अगर एक बार क्रिएट कर पाए तो हम बच गए बेटा। आखिर कैसे? भगवान कुछ ना कुछ एक रास्ता तो जरूर दिखाएंगे। अरे तुम लोग फिर से आए क्या? आखिर तुमको चाहिए क्या? हम लोग जो बोल रहे सुनो ना प्लीज, तुम केवी की टीम में जाके नहीं फंसने का, वो डेंजर है। केवी आखिर कौन है हमें अच्छी तरह मालूम है, तुम दोनों एक्चुअली बहुत सारे प्रॉब्लम में फंसने वाले हो। चाली ये जो लड़के हैं ना, उन्हें केवी जानबूझ के छोड़ा, उनके साथ दोस्ती करना तुमको तकलीफ पहुंचेगा। हाँ, अरे दास माल गोडाउन में पहुंच गया रे। और एक बात कॉल करना, स्कूल के आजू बाजू में शैडो पुलिस बहुत सारे हैं। ओके तो फिर जो बोला याद है ना, केवी के साथ दुश्मनी नहीं मूलने का। अरे सूरज, हम थोड़े देर पहले जो डिस्कस कर रहा था ना, चार्ली हमें मदद कर सकता है। किस लिए? वो अच्छी तरह प्लानिंग करनी चाहिए। माँ आप कहाँ थी? वो तो मैंने तुम्हारा दोस्त को कुछ रुपया देना था, उसको देकर मैंने बेडरूम में जाकर छुप गई। हाँ ये क्यों यहाँ पड़ा है? ये तो उस दिन तुम्हारा बाप उल्टा किया, तुम्हारा दोस्त यही चोट कर गया। उधर वो लोग आएगा तो भी हम कैसे शूट करेंगे? देख मुझे विश्वास नहीं है। हम जहाँ प्लान करते हैं वहीं पर वो स्टूडेंट्स को लेके आना चाहिए। वो लोग कैमरा देखेगा तो? इसी बात में मेरा भी प्रॉब्लम है। हम चाहे तो कैमरा और मोबाइल से आप हाइड करके शूट कर सकते हैं, लेकिन अगर वो पकड़ लिया तो अब क्या करें? अगर बत्ती नहीं है तो भी रिकॉर्ड चलनी चाहिए और कैमरा दिखनी भी नहीं चाहिए। कम रोशनी में चलता हुआ बटन टाइप का कैमरा अब बाजार में मिलता है ना? अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो हम जो शूट किया ना वही का वही रहेगा। वैसा हरगिज नहीं होना चाहिए। हमारे कैमरा में रिकॉर्ड होने वाले विजुअल्स एट अ टाइम हमारे हाथ में पहुंचने चाहिए। वो कैसे? हमारे फिक्स करने वाले कैमरा और रिकॉर्ड करने वाले स्पेस के बीच में एक अनदेखी कनेक्शन होनी चाहिए। मैं समझा नहीं। अगर कैमरा देख भी लिया तो वहाँ होने वाले एक्टिविटीज एकदम पक्का हमारे हाथ में होनी चाहिए। ये आइडिया तो अच्छा है, मगर ये वर्कआउट होगा क्या?
साइंस भी आगे बढ़ रही है ना, अगर कोई ना कोई बंदे के दिमाग में ऐसी घटिया सवाल का जवाब है तो भाई रघुराम, तुम्हारे बारे में और तुम्हारे जरूरत के बारे में के भी सब मेरे को बताया। पैसा, पैसा ही मेरा लक्ष्य है। इस धंधे में एक हिस्सा मेरे को भी मिलना चाहिए। तुमको अगर ठीक लगे तो हम आगे बढ़ेंगे। जरूर सर। तो चलो मेरा साथ। ये सीसीटीवी कैमरास जो है ना, तुम जहां भी चाहे रख सकते हो। इन कैमरों को ट्रांसमीटर के साथ कनेक्ट करनी चाहिए। ये लॉन्ग रेंज ट्रांसमीटर जो है सेंस वायरलेसली एक्सेलेंट कलर वीडियोस टू टीवी, वीसीआर, कैमकॉर्डर, मॉनिटर और अदर रिकॉर्डिंग डिवाइसेस, और वो भी इंटरनेट या वाईफाई कनेक्शन के सहायता के बिना। इस ट्रांसमीटर के जरिए तुम वीडियो सिग्नल्स भी सेंड कर सकते हो। ये कैमरा जो है वो अंधेरा में भी काम कर सकता है। ये सिग्नल्स जो है वो दीवार जैसे ऑब्स्टेकल्स को भी एक्चुअली पार कर सकता है। ट्रांसमीटर की ये एंटेना जो है वो डिटैचेबल है। अगर जरूरी है तो ये एंटेना आपको निकाल के हाई गेन एंटेना भी फिक्स कर सकते हो। अगर हाई गेन एंटेना लगाया तो 7 या 8 किलोमीटर तक ये कैप्चर किए गए इमेजेस को इस ट्रांसमीटर के जरिए आपको पहुंचा सकता है। ये पेन कैमरा जो है मैंने वैसे ही डिजाइन किया है, जरूरत पड़े तो आप इसका इस्तेमाल कर सकता है। फिर जाके आपका ये रिसीवर कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करनी चाहिए। अगर वाईफाई का इस्तेमाल कर रहा है तो कनेक्शन की जरूरत ही नहीं है। रिसीवर के जरिए कंप्यूटर तक पहुंचने वाली वीडियोस एट ए टाइम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। एनी डाउट्स? तुम्हारा आइडिया मस्त है, लेकिन नौजवानों को कैसे ट्रैप करेंगे, उनको कैसे घर पे पहुंचाएंगे? यही बात हम भी सोच रहे हैं। कोई ना कोई रास्ता ढूंढना है। तुम्हारा मदद करना एक आदमी से होगा, दास। वही है जो यहाँ के स्कूल में गंजा सप्लाई करता है। मैं उनको कनेक्ट करवा दूंगा। सब रेडी है। ओके। सब रेडी है, तू ठीक टाइम पे सबको यहाँ पहुंचाना। प्लान के मुताबिक काम ठीक से हुआ तो देख लूंगा। ओके। अरे यार, सब पॉजिटिव ही सोचो यार, ये हमारे प्लान का मुताबिक ही चलेगा। पैसा वो एक बड़ा बहार के जैसा हमारे सामने आके गिरेगा। पप्पू पक्का वहां पहुंचेगा।
ये सब तुम्हारे लिए है, ले जा सकते हो। ये तोहफा तेरा काम के लिए नहीं है, सिर्फ एक टोकन एडवांस, बस वैसा ही समझ लेना। तुम्हारा दिया हुआ वीडियो क्लिप केवी को बहुत पसंद आया। उस वीडियो के कारण केवी ने एक नया साइट बनाया, schoolgirls.com। समझ में आया क्या? सिर्फ स्कूल के नौजवान। तुम लोग जो भी वीडियोस देते हो उसी साइट में अपलोड किया जाएगा। जितने लोग उस साइट पे जाके देखेंगे उतना पैसा केवी को मिलेगा, उसमें से एक अच्छा हिस्सा तुमको भी मिलेगा। वो दास को नहीं छोड़ने का, वो बहुत सारे नौजवानों को कनेक्ट करेंगे। वैरायटी विजुअल्स, वही केवी मांगता है, मालूम है ना? श्योर, 100% वैरायटी विजुअल्स हम लोग लेके आएंगे। हां सही में, और हमारे पास बहुत सारे वैरायटी आइडियाज भी हैं। तो फिर वक्त जाया ना करो, काम पे लग जाओ। ठीक है सर, थैंक यू सर। अब हमें होशियार रहनी चाहिए, और ज्यादा स्टूडेंट्स के विजुअल्स हम अगर क्रिएट कर पाए तो केवी हमें बहुत सारे पैसे देंगे। मुझे तो डर लगता है। अरे लक्ष्मी जी जब हमारे और आते हैं तो ना नहीं बोलने का कभी। एक क्लिप के बारे में कोई पूछताछ करेगा तो? अरे हम थोड़ी ना कर रही है। देखो भैया, अगर हम थोड़ी तकलीफ अभी उठा लेना तो सारी जिंदगी हम ऐश करेंगे। अरे कम ऑन, डोंट वरी, बी हैप्पी। अरे तुम लोगों को कोई और काम नहीं है क्या? अरे हमने बहुत बात तेरे को बोल रहे हैं। केवी कौन है तेरे को मालूम नहीं? काम हो जाने के बाद मार भी सकता है वो। हमारा तकदीर अच्छा था इसीलिए हम बच गया। तो इसके लिए हम क्या करें? हमारे साथ जो बीता वही बता रहा हूँ। हमारे साथ कुछ होने से पहले केवी को कानून के सामने लाना। इसके लिए तुम हमें मदद करना ही पड़ेगा, तो हम चलते हैं अभी। इन लोगों के बारे में केविन से बात करूं? उसकी कोई जरूरत नहीं है, कुछ देखे बिना केवी इनको ऐसे छोड़ेंगे नहीं ना। हाँ हम वेट करके देखते हैं। सूरज, 24 घंटे तो रूम में यूं ही बैठकर क्या एसएमएस करते रहते हो? चैटिंग। चैटिंग? तुम्हारा उम्र का दूसरा लड़का लोग हर महीना कितना कमाता है मालूम है तुझको? काम नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूं? बेकार का कोर्स पड़ेगा तो यही अंजाम होगा। उस दिन मैंने बोलती थी सिविल पढ़ो। सिविल? आपको क्या चाहिए माँ? मुझे तो एक पेन चाहिए। मेज पर पड़ा है ना, लेके जाओ। देखकर घबरा कर धोड़ी में। एक्चुअली तुमको और कुत्तों को क्या संबंध है? क्या? मैं तुझे इस तरह पहली बार नहीं देख रहा हूँ, इसलिए पूछा। मुझे तो बचपन से ही कुत्ते से बहुत डर है। अच्छा तो ठीक है, आज तुझे नजदीक से देखने मिला हमको, अच्छा हुआ। तो फिर मैं चलो। इतनी दूर आई हूँ ना, अकेले जाना ठीक नहीं है। आजा बैठ, मैं ड्रॉप करूंगा। अरे बाइट।
देकर मेरा मन तो खुशी से ना छूटा।
कितनी अच्छी लड़की थी, आखिर उसने क्यों ऐसा किया? तो आपको पता नहीं चला क्या? उसने ऐसे ही आत्महत्या नहीं किया, शर्म के मारे किया। वो बच्ची की क्लिपिंग कोई कंप्यूटर में आया, वो बहुत सारे लोग देखा बोल रहा है। कंप्यूटर नहीं, इंटरनेट, मैंने देखा। माता पिता लोग बच्चों को जब पढ़ाई के लिए भेजते हैं, क्यों ये सब करते हैं ये लोग? घर वालों को थोड़ी ना पता चलता है। अच्छा, ये लड़की को मालूम था क्या यही हो रहा है? वो सब जांच में ही पता चलेगा। जो भी है, पुलिस ने केस ले लिया। स्कूल विद्यार्थी की आत्महत्या के बारे में पुलिस इन्वेस्टिगेशन और जोर लगानी चाहिए। इस हत्या के पीछे जितने भी लोग पड़े हैं, उन सबको अरेस्ट करके कानून के सामने लाना चाहिए। इसके लिए श्रीमान श्रीधर सर कलेक्ट्रेट के सामने अनशन कर रहा है। खत्म नहीं हुआ, छोड़ दो। आप ठीक से खाने खाकर कितने दिन हुए? बस ये दूध पीकर आप जल्दी सो जाइए। बेटा, कल प्रेस मीट में प्रेजेंट करने वाली मैटर है। तो क्या हुआ, आपका तबीयत ठीक नहीं है? आपका मंत्री लोग पूछताछ करने के लिए एक टीम को रखा है ना? चलने दो, आपको मेरे बात मानने पड़ेगा, बस कीजिए। बेटा, अगर तुम पे कुछ खराब बीता तो मुझे लगेगा ना, एकदम वैसा ही है ये भी। और कभी भी किसी भी लड़की को ऐसी नौबत नहीं होनी चाहिए। स्त्री सुरक्षा बिल और कानून के अमेंडमेंट से ही काफी नहीं है, ये सब इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। घर के अंदर में भी औरत की सुरक्षा नहीं है, उसके लिए ज्यादा बोलते हैं तो प्रेशर उठ जाएगा। आप जल्दी दूध पीजिए। हाँ हाँ, मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं भूखे रह जाऊंगी। तो वो चाहिए क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं। हाँ तो ये पी लो। सारा पी लो। हाँ नहीं, ठीक है मेरे प्यारे पापा, अब सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। अबे ओए, ढंग से खा लेने का वरना दोनों मार खाएगा। मुझे घर जाना है, मेरे पापा मम्मी को देखना है। चुपचाप जो बोल रहा सुनना। हमको खाना नहीं चाहिए। अरे शांत होकर बोलो तो नहीं सुनेगा क्या? देखता हूँ मैं कैसे तू नहीं खाएगा। I say stop it। इनके शरीर में एक भी खरोच आया तो केवी को जवाब मैं देना पड़ेगा। इनका देखभाल करने के लिए केवी हमें सौंपा है। इन्हें मारने के लिए नहीं, अगले हफ्ता सिंगापुर में माल भेजने वाले जहाज में भेजनी है इनको। ये दोनों अच्छी सेहत में पहुंचनी चाहिए सिंगापुर, सही सलामत, वरना इन दोनों का रेट बहुत कम हो जाएगा। पैसा कम हो जाएगा, अच्छी किडनी और हार्ट के लिए जितना मांगे उतना मिलेगा, समझा? ये लोग कुछ खाना नहीं खा रहा बॉस। वो मेरे को देना, मैं दे दूंगा। हेलो माइकल, पता नहीं चला क्या? एस एस श्रीधर सर का अनशन विजय प्राप्त हो गया। अब से इन्वेस्टिगेशन का चार्ज एक नए पुलिस ऑफिसर को सौंपा गया। तुम सुना होगा इंडियन पुलिस का चमत्कार, बहुत सारे मुश्किल वाले केसेस सॉल्व करने वाले एक ही चमत्कार। मनी पावर और पॉलिटिकल पावर के सामने जो सर नहीं झुकाता, हिम्मत वाला और शेर दिल पुलिस ऑफिसर लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीकांत त्रिपाठी।
बीवेयर ऑफ हिम। आनंद कृष्णा। यस सर। रियाज अहमद। सर। दिनेश पटेल। सर। कम। तक हमने जो भी इन्वेस्टिगेशन किए हैं, इसमें है सर। दिनेश, डोंट फील बैड। अब तक आपने जो केस का जांच किया, आज से मैं और ये मिलके करेंगे। जाहिर है कि आप और आपका टीम निराश होंगे, लेकिन डिपार्टमेंट के डिसीजन है ना, सुनना ही पड़ेगा। ओके सर, इट्स फाइन सर, आई कैन अंडरस्टैंड, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। दैट्स गुड। इन्वेस्टिगेशन की ऑर्डर हमारे हाथ में है, बोल के आपको दूर रहने की जरूरत नहीं है। आई नीड योर हेल्प। आई एम ऑलवेज विद यू सर। ऑलराइट। मेरे इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि सिर्फ नीना नहीं है ये ट्रैप में जो फंसा हुआ है, कुछ और लड़कियां भी ये जाल में फंसा हुआ है, लेकिन शर्म के कारण वो कंप्लेन लेके नहीं आता, इन्वेस्टिगेशन की सहायता नहीं कर रहा है। नीनू के साथ वो वीडियो क्लिप में जो लड़का जो था, अरुण, नीनू के स्कूल के ही विद्यार्थी है, दोनों के बीच में रोमांस चल रहा था, क्लासमेट्स बोल रहे हैं। अरुण को पूछताछ किया क्या? नहीं सर, वो अभी भी आईसीयू में है। नीनू के आत्महत्या के बारे में सुनते ही अरुण भी सुइसाइड अटेम्प्ट किया, अभी भी वो क्रिटिकल कंडीशन में है। जो भी है, मैं एक ही जरा स्टडी करूंगा, उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे। ओके सर, यू कैन गो नाउ। सर, आज ही बच्चों को यहां से शिफ्ट करना है, शहर तक पहुंचाना जरूर जाएगा, वहां से केवी संभालेंगे। क्या कर रहा था अकेले? सूरज कहाँ है? वो भाई, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं भाई, नहीं। तो फिर? दरअसल, तो फिर चलो। आंटी, सूरज की माँ है। मस्त है रे कहानी। लग रहा है ये कोई गलती से हुआ है, मेरे को ये देखने के बाद बहुत खराब लगा, इसलिए मैं इधर ही आया भाई, ये किसी भी हालत में उनको दिखाने का। मैं हरगिज़ नहीं बोल सकता। तुम्हारे अंदर एक अच्छा बिजनेसमैन है, इसीलिए तू यहीं पे सीधा आया। कोई गलत तरीके से इनका उपयोग नहीं करना भाई, ये उनको दिखा के बात समझा के डिलीट कर देने का। अगर तुमको कुछ पैसा मिला तो ना बोलेगा क्या? ये क्लिप में जो बंदा है वो कौन है? वो मुस्तफा, ऑटो ड्राइवर है।
तू सीधा जाके क्लिप दिखाओ और ब्लैकमेल करो उनको, और एक अमाउंट भी ले लो उनसे। इस धंधे से मेरे को कुछ नहीं चाहिए, जितना रोकड़ा मिल रहा तू रख ले। आपके घर में हालत कैसी है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों? अगर जल्दी 10 लाख रुपए मांगे तो मिलेगा क्या? 10 लाख? क्या वो जमीन जायदाद बेचने से होगा? क्यों? ठीक है तो फिर बेच के वो पैसा रेडी करो, बड़ी जल्द जरूरत पड़ेगी। किस लिए? वो तेरी जिंदगी का कीमत है। तेरा और सूरज का माँ के बीच में जो भी डीलिंग्स हुआ है उसका वीडियोस मेरा हाथ में है। मैं जो रोकड़ा मांगा वो नहीं मिला ना, वो वीडियो सारी दुनिया देखेगी। विश्वास नहीं हो रहा तो मेरा साथ आ, मैं दिखा दूंगा, तेरा शो का ओरिजिनल विजुअल्स दिखा दूंगा। ज्यादा होशियारी दिखाने का कोशिश ना करना। एक सेंसेशनल केस, होम डिपार्टमेंट की प्रेशर, लोगों का क्रोध, जितनी जल्दी हो सके ये केस राउंड अप करनी है। लोकल पुलिस इन्वेस्टिगेशन की प्राइम फोकस वो लड़की की आत्महत्या और प्राइम सस्पेक्ट अरुण है। सर, अपलोड किए गए वीडियो और उनकी क्वालिटी अगर देखा जाए तो ये मानने के लिए मुश्किल है कि एक स्टूडेंट सेटेंट है। आप जरा गौर कीजिए सर, उस लड़की के स्कूल जाके उनके टीचर्स और उनके फ्रेंड्स से मिलना, और रियाज आप जाके अरुण के डिटेल्स कलेक्ट करना, स्कूल के आसपास कोई इलीगल एक्टिविटीज चल रहा है कि नहीं देखना, और आप इस जगह के गैंगस्टर्स और ड्रग डीलर्स के बारे में जांच करना। सर, हम शुरू कर रहे हैं। सर, यही आईपी एड्रेस से एक्चुअली स्टूडेंट्स की वीडियो क्लिपिंग अपलोड किए हैं। लोकेशन? सर, मुंबई, एग्जैक्टली अंधेरी वेस्ट। अंधेरी वेस्ट। और बाकी की जानकारी मैं मुंबई से ले लूंगा। थैंक यू सो मच। ओके सर। फ्रेंड्स, मुंबई पुलिस और मुंबई साइबर सेल दिए गए ये जानकारी के मुताबिक वीडियोस अपलोड किए गए आईपी एड्रेस मुंबई अंधेरी के इंजीनियरिंग स्टूडेंट संदीप भाटिया की कंप्यूटर की है। अपलोड करके उसमें से पैसा कमाने के लिए उन्होंने क्रिएट किया है ये साइट nature.com, लेकिन वो साइट अभी बैंड है। भाटिया अभी मुंबई पुलिस की कस्टडी में है। सर, तब हमें उन्हें क्वेश्चन करनी चाहिए ना। मुंबई पुलिस में मेरा जो दोस्त है एंटनी मोसेस, हमारे लिए वो काम करके रखा है। भाटिया को
हमारे मुल्क में किसी से कोई संबंध नहीं है। सर वैसा तो यहाँ शूट किया हुआ वो वीडियोस भाटिया के हाथ में कैसे पहुँचा? हमारे मुल्क के एक लीडर के साथ भाटिया का पहला मुलाकात एक इंटरनेट कॉल के जरिए हुआ। ये बंदा अपना नाम कभी भी भाटिया को नहीं बताया, therefore he was called भाई। इसके बाद भी इनका कम्युनिकेशन सैटेलाइट फोन और इंटरनेट कॉल के जरिए हुआ। दैट मीन्स भाटिया भाई को आज तक नहीं देखा। तो इस वीडियो को भी इंटरनेट द्वारा भाटिया को ट्रांसफर किया गया सर? नो, वीडियो का हैंडओवर और फंड ट्रांसफर अनजाने लोगों के मदद से हुआ। एक एक बार आदमी बदलते गया। एक बार वीडियो लाने वाले आदमी को दोबारा कभी भाटिया देखा नहीं और इसके कारण उनके बारे में कोई भी डिटेल्स इनको मालूम नहीं। इन्वेस्टिगेशन फिर से आके लॉक हो रहा है सर, अब हम कहां से शुरू करें? एक रास्ता बंद हुआ तो बहुत रास्ते खोलेंगे। सर हाँ दिनेश, क्या हुआ? सुबह हॉस्पिटल गया लेकिन उनका रिपोर्ट नहीं ले पाया, वो सेडेशन में था। एक घंटा पहले ही उसने जागा। अरुण ने क्या बताया? एक वाइटल इन्फॉर्मेशन है सर, अरुण और नीनू के जाने बिना हिडन कैमरा के सहायता से उनका वीडियो रिकॉर्ड किया गया। कौन और कहां पर? ये सिटी में स्कूल और कॉलेज में ड्रग्स सप्लाई करने वाला एक बंदा है, दास। हमारा हिटलिस्ट में है वो। कई बार उनको कस्टडी में लेने की कोशिश किया है, तब हर एक बार उसने हमारे हाथ से बच गया। उसी ने अरुण और नीनू के लिए सब कुछ अरेंजमेंट किया, उनका अरेंज किया हुआ एक खाली घर में ये इंसिडेंट शूट किया। उस घर की गौर से जांच होनी चाहिए सर। और दास, हेलो। शिट, वहाँ है सर।
मैं बोला ना सर, कल रात इसको हाथ में मिला था लेकिन जस्ट मिस हो गया। ये जाने वाले हर अड्डे में हमने छाट मारा लेकिन नहीं मिला सर। मेरी स्पेकुलेशन है ये हत्या और हमारी इन्वेस्टिगेशन के बीच कुछ ना कुछ कनेक्शन है। जो भी है हमें गौर से रहना चाहिए। दिनेश, मेक अरेंजमेंट फॉर ऑटोप्सी। सर। है? अरे मुझसे बात करो, मुझे तो बहुत डर लगता है। हमें ढूंढकर वो लोग आएंगे। बाहर में जा। तू बिना सोचे समझे कहीं पर भी कुछ भी मत बोलना यार। तू पहले मन से डर को निकाल। ज्यादा डर बहुत भयानक है। कैसे ना डरूं? वो राउडी को बारे में पूछताछ कर वो लोग उधर इधर जाते हैं, मालूम है तुझे? आईसीयू में पड़ा रहा वो लड़के को आजकल याद भी आ गया। क्या ये जगह छोड़कर जाएंगे? बेफिजूल बातें सुन के मत डरो यार। रोको, हर चीज के लिए एक टाइम है। साले, तेरे को 10 लाख रुपए चाहिए वरना तू क्लिप इंटरनेट पे अपलोड करेगा। तू मेरे को पहचानता नहीं, कहाँ रे वीडियो? अगर तेरे को बोलने में तकलीफ है मैं उनको बुलाऊंगा। अब वो घर पे, वो मेरे को अभी चाहिए। कब मिलेगा? कल नहीं, 1 घंटे के अंदर। 1 घंटे के अंदर तू वो ऑटो स्टैंड पे आके दे देने का, वरना हम फिर वापस आएंगे। उसके बाद तेरा लाश तेरे को मिलेगा, ठीक है? तब जैसे बोला। क्या हुआ? क्या बात है? ये क्यों यहाँ आया? कौन से क्लिप के बारे में पूछा? अब वो सब मैं बाद में बताऊंगा, अभी अपन लोग यहाँ से चलते हैं। क्या हुआ माँ, रोड में इतनी भीड़ क्यों है? नहीं, मुझे नहीं मालूम। क्या चाहिए आप लोगों को? तेरे को कुछ पता नहीं है क्या? नेट जाके सर्च कर। क्या हुआ तेरे को? यू
जो भी है तू ये नहीं करना चाहिए था। मैं कैसा करतूत किया तू बोल रहा है? सब कुछ करके कुछ जाने बिना नाटक कर रहे क्या? मैं बोला ना उनकी माँ की क्लिप अपलोड नहीं करने का। लेकिन मैं अपलोड नहीं करूँगा, मैं तुमको वादा नहीं किया ना। या हर जगह सबको पता चल गया, अब तक सूरज को भी पता चल गया होगा। मेरे वजह से वो क्लिप अपलोड हुआ उनको मालूम हो जाएगा। मैं अब कैसे उनके सामने? अबे साले, तेरे वजह से क्लिप अपलोड हुआ सूरज कैसे बोल सकता है? ये वो ऑटो वाला भी अपलोड कर सकता है ना। अबे गधा, तू इतना डरपोक हो गया क्या? सूरज अगर तेरे को दोष दिया तो भी तू ना बोल देने का, दोष सारा वो ऑटो वाले के सर पे डाल के तू बच के निकलना। कुछ समझ में आया क्या? ये लो, इस वीडियो क्लिपिंग का बहुत बड़ा व्यूअरशिप है, और भी ज्यादा पैसा मिलेगा। बी कूल मैन, सूरज की ओर से कोई भी प्रॉब्लम हो तो तेरा साथ मैं रहूंगा, केवी भी होगा, तू बेफिक्र रहना। चलो चलो मेरे साथ, उठो ना, उठ के कुछ खाना खा लो। कल से तूने कुछ भी नहीं खाना खाया, कब तक तुम बिना खाए बैठेगी ऐसी? सब मेरा ही गलती है, हमारी दारू की आदत हमारी जिंदगी बर्बाद कर दिया। दारू की बेहोशी में मैं सब कुछ भूल गया, तुम्हें और बेटे को मैंने ख्याल नहीं किया। अगर सारा दुनिया तुम्हें दोष दे, ढकेल दिया तो भी मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा। तू टूट के आ, कुछ खाना खा ले। दुख में समझ रहा हूं, दुनिया में कोई किसी का जगह नहीं ले सकता, फिर भी सब झेलना ही पड़ेगा ना। मां के बिना एक जिंदगी मुझे अच्छी तरह मालूम है। मौत सच है, सब कुछ मुझे मालूम है,
लेकिन ये सबका कारण मैं हूँ। वैसा कभी नहीं बोलना, सब भगवान की इच्छा है, हम तो सिर्फ वो सुन सकता है। मैं बहुत बुरा हूँ, ये सब मेरा दुष्कर्मों का फल है। तुम क्यों ऐसे बोलते हो? तुम ये सब बेकार में सोच रहा है, जो हुआ सो हुआ, अब आने वाले जिंदगी के बारे में सोचो। तुम्हारे पापा के लिए सिर्फ तुम ही है जिंदगी में, वो बोलना मत कभी। अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। वैसा नहीं बोलना, मन में शक्ति लाओ, हर एक काम के लिए मैं हूं तुम्हारे साथ। अब से जिंदगी भर चाहिए आपको? यहाँ छुप के जीने वाले तुमको यहाँ आके मिलने के लिए, हम तुम्हारा बाप नहीं है ना? अभी जो सुसाइड किया वो हाउसवाइफ के साथ तुम्हारा क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है सर। अबे साले गधेड़े, इतने करने के बाद तू झूठ बोल रहा है क्या? मेरे को कुछ नहीं मालूम सर, ये सब वो किरण का काम है। मुस्तफा ठीक है, ओके सर। सिर्फ तू मेरा फ्रेंड नहीं है, उससे भी ज्यादा था। मेरे जीवन में सब कुछ मैं तुझे बांटता था, फिर भी तू। सूरज, तुझे पैसा चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, चुरा कर, किसी को मार कर। तुम मुझे क्यों धोखा दे रहे हो? तुम लोग क्यों झगड़ कर रहे हो? तुम लोग कितना अच्छा से बात कर रहे हो, झगड़ूंगा तुझे। ऐसे झगड़ा नहीं सूरज, मैं कुछ जानबूझ के नहीं किया सूरज। माइकल का पैर पकड़ के मैंने बोला अपलोड ना करने का, लेकिन वो मेरे को अभी कुछ बोलने का नहीं है। तुम्हें जो चीज चाहे कर लो मुझे। मेरे पापों का फल मुझे मिल गया। अब हम दोनों सब कुछ खत्म करेंगे, सब सच बोलकर पुलिस में सरेंडर हो जाएंगे। तुम दोनों पागल हो गए क्या? ये ऐसा जाल है कि तुम बच ही नहीं पाओगे। केवी के खिलाफ जो भी है वो आज जिंदा भी नहीं है। सोच के कुछ करना।
जो कुछ भी है मेरे से खुल के बात करो। प्रॉब्लम जितना ही बड़ा है उसके लिए एक हल तो जरूर होगा। माँ की गैर मौजूदगी में तुम बेकार में बहुत कुछ सोचता है। पहले तुम्हारा मन को शांत करो। मैं वादा करता हूँ मैं हूँ तुम्हारा साथ। तुम्हारा जैसा अच्छी लड़की को मैं सूट नहीं होगा। तुम्हारे बारे में सब कुछ जानने के बाद भी मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बिलीव मी। मेरे बारे में तुझको कुछ भी नहीं मालूम है। सच जान गई तो तू मुझे छोड़ेगी। सिर्फ तुम नहीं हो, तुम्हारा जैसा अच्छे दिल वालों सब ऐसा ही करेंगे। उस हद तक क्या गलती तुमने किया? ये सब छोड़ो, एक दिन तुझे सब सच मालूम हो जाएगा। उस दिन तू मुझे छोड़कर जरूर जाएगी। देखो मैं नहीं, मैंने बहुत ज्यादा गलत किया। तू मुझे मदद मत करो क्योंकि तू भी इस गलत में डूब जाएगी। एक दिन सच जानकर तू भी मुझे गलत मानेगी। मैं तुझे धोखा दे दिया, तू कभी ऐसा मत सोचना। मेरे प्यार सागर की तरह सच है। सूरज, सार बुला रहा है। सूरज आ जाओ। अंदर बैठो। मैंने कई बार तुम लोगों को वार्निंग किया है, फिर भी अगर तुमको पता नहीं चला वहीं रहे। देश के लिए भला करने वाले देवताएं। माइकल, वेलकम इंस्पेक्टर साहब, आपका इंतजार मैं कुछ दिनों से कर रहा था। तो अच्छा हुआ मैं आ गया ना, और तुमको ये भी मालूम होगा कि मैं किस लिए आया। वो मेरे को पता चला, बात नहीं सुनने वाले को अपन को बहुत पसंद है, और उसके बदले में बात सुनाने वाले को अपन को पसंद नहीं है। आप फिलहाल जाइए। फिर तुम कोशिश करके देखो। साहब ये सब मेरा अनुसार नहीं हुआ, सबके पीछे वही है, वो केवी। केवी जी सर, केवी वही है, उनके मुताबिक ही। यही है सर सच्चाई।
केवी, वो अब कहाँ है? दूसरों की अच्छाई और दुनिया की भलाई के लिए, गरीबों और निर्धनों की बढ़ाई और उनकी उन्नति के लिए, सारे देश के लोगों की उन्नति और उनकी सहायता के लिए अपनी जीवन त्याग कर कर रखा है ये महत व्यक्तित्व। हमारे बड़े आदरणीय श्रीमान एस एस श्रीधर सर को हमारे गांधीयन समिति क्लब के ओर से उनको पुरस्कार दिया जा रहा है अभी इसी वक्त। इस पुरस्कार सम्मान करने के लिए हमारे कल्चरल अफेयर्स मिनिस्टर श्री मिथुन गोखले जी को मैं स्वागत करता हूँ। पुरस्कार स्वीकार करने के लिए मैं एस एस श्रीधर जी को भी स्वागत करता हूँ। हर एक पुरस्कार हमें और ज्यादा काम करने के लिए प्रेरणा देती है। इसके कारण इतने बड़े पुरस्कार हम स्वीकार करने के साथ साथ मेरे अंदर के दौत्य और भी ज्यादा बढ़ गया है। सिर्फ बातों से ज्यादा कर्मों को महत्व देता हूं मैं, इसलिए मेरा भाषण मैं यहां पर समाप्त करता हूं। सबको मेरा नमस्कार। जय हिंद। कितने सारे भले काम श्रीधर सर ने किए हैं हमारे लिए। सबसे ज्यादा इंटरनेट के जरिए पोर्नोग्राफी की रैकेट चलाने वाले और उनपे से पैसा बनाने वाले, इस समूह को बर्बाद करने वाले केवी जैसा क्रिमिनल को पुलिस से पकड़वाने में इनके प्रयत्न का फल है। इनके बहुत सारे कोशिश के कारण पुलिस के इन्वेस्टिगेशन की ताकत भी बढ़ गई। इनके बारे में युवा कलाकार गौतम कृष्णा एक डॉक्यूमेंट्री पिक्चर तैयार किया है, अब हम वो देख सकेंगे। श्रीधर सर के बारे में और ज्यादा हम वो डॉक्यूमेंट्री देख के पता करेंगे। इसको भी जरा उठा लेना। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। सूरज, चांद, तारे, पृथ्वी, मानव, ये सब ये प्रपंच का एक बड़ा हिस्सा है।
ये आदमी भारतीय नेचरों को खूब बड़ा करने के लिए बहुत काम किया। हर तरफ पेड़ और पौधों को बड़ा करके सबका दिल में एक स्थान ले लिया ये आदमी। वो बात भी नहीं है, अस्पताल जाकर हर गरीबों को दिल में ये प्यार दिया, पेशेंट को ये ज़्यादा हेल्प किया। ये संसार में इस तरह एक आदमी मिलना भी बहुत मुश्किल है। अच्छा आदमी है, इसका जीवन सबके लिए परित्याग किया, हर गरीबों को ये मदद किया। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये सब ये कुछ भी नहीं देखता है। अंधेरों को हटाकर दीप जलाकर सबका मन का रोशन किया है ये इतना बड़ा अच्छा आदमी है। हमारे तैयार किए गए नए सेट की लॉन्चिंग इसी वीडियो रिलीज करके ही होगा। फिलहाल कुछ दिनों के लिए पुलिस की झंझट नहीं होगी, समझा नहीं क्या? उनको मेरी तरफ से एक छोटा सा भेंट है, केवी, वो उनके साथ व्यस्त रहेगा। अगर केवी सब सच सच बता दिया तो? उदास की तरह केवी भी मिट्टी के साथ मिल जाएगा। अरे आप अगर ये मेरा नाम बोल भी दिया तो कोई जल्दी से विश्वास नहीं करेगा। इसीलिए ना ये सोशल वर्कर की इमेज बढ़ाया है ना मैं। अबे इसको बंद करो ना। हेलो, सब शांत हो जाइए, ये दरअसल धोखा है। तू धोखा दे रहा था, तू धोखा दे रहा। आप लोग मेरे को विश्वास करो, किसी भी हालत से मेरे को ये मालूम नहीं थे इसके बारे में। ये मेरे को कोई जानबूझ के धोखा दिया है। साहब ये धोखा है, ये किसी ने जानबूझ के किया है। ये जो आप बोल रही है सच नहीं है तो फिर क्या सच है बोलने का हक भी आपका बनता है। अरे आप क्या बोल रहे हैं अभी, श्रीधर को सिर्फ एक ही चेहरा है और वो सबको मालूम भी है। जो देखा वो सुंदर है और अनदेखा अति सुंदर है। श्रीधर सर बताइए, मेरे इमेज खरोचने के लिए कोई जानबूझ के ये किया है सर? कोई भी कुछ भी बकने के कारण मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं करना। सबके बड़ा आदर नहीं है श्रीधर सर, ये किसी का क्रिएट किया हुआ फेक वीडियोस नहीं है बल्कि यही है सच्चाई। आपका बड़ा चेला है ना केवी, वो तुम्हारे बारे में सब डिटेल मेरे को बताया, तुम्हारा हर एक हाइडआउट के बारे में पक्का डिटेल्स मेरे को दिया। उनका दिया हर एक डिटेल के सहायता से तुम्हारा हर एक अड्डा हमने छाट मारा। वहां पर तुम्हारे जाने बिना हम कई हिडन कैमरा लगवाए। इस समूह को बर्बाद करने के लिए तुमने जो हिडन कैमरास लगवाए, तुम्हारे ही हित के खिलाफ हमने फायदा उठाया।
अपना काला मुंह छुपा के तुमने जो इलीगल एक्टिविटीज किए ये सब इन लोगों तक पहुंचाने का जिम्मेदारी मैंने उठाया और मैंने वही किया। मिस्टर लक्ष्मीकांत त्रिपाठी, इनको ऐसे नहीं छोड़ने का, इनको ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगाने का। यस सर, आप दुनिया की कोई भी ताकत इनको मेरे से बचा नहीं पाएंगे। टेक हिम। अबे चलना रे। अपनी गलती तुम लोगों ने मेरे को आके बताया। हर एक शिक्षा की लक्ष्य परिवर्तन है और तुम में वो परिवर्तन मुझे दिखाई दे रहा है। तुम्हारी शिक्षा कम किया है वो कभी भूलने का नहीं। नहीं साहब, जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, बहुत बुरा काम किया था। तुम लोग सिर्फ जिंदगी शुरू किया है और भी जाना है बहुत दूर। जो हुआ सो भूल जाओ और आने वाली जिंदगी के लिए तैयारी करो। पैसा जिंदगी में सब कुछ नहीं है। कानून की भाषा में गुनहगारों को इन्वेस्टिगेशन के बीच में कुछ वक्त दिए जाते हैं, वो है बेल। एक बोले तो अच्छे और बुरे काम करने का न्याय बोलने से पहले भगवान के हाथ से दिया गया वैसा एक वक्त है जिंदगी। सो यूज दिस बेल केयरफुली। हेलो सर, मैं तुरंत ही पहुंचूंगा सर।